ईशान को पीछे छोड़कर ही सभी बनेगी आईएएस ऑफिसर, आएगा सीरियल में ट्विस्ट। वाल आपको बता दें कि स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब ईशान को देने वाली है तलाक। और क्या क्या होगा, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि सूर्य प्रकाश आए हैं, जो कि सभी को बहुत ज्यादा मानते हैं। उन्होंने सभी को टेस्ट किया जिसमें सभी पास हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ ईशान सभी से तलाक मांग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईशान जो है अब सभी से जल्द ही अलग होना चाहता है और ये बात वो खुद कहता हुआ नजर आया है। लेकिन सीरियल के अपकमिंग ट्रैक की कहानी में क्या, कब और कैसे होगा, चलिए डिटेल में बताते हैं। भाई सबसे पहले आज आप देखेंगे कि एसपी सर आए हैं, जो कि सभी का टेस्ट लेते हैं। वो कहते हैं, सभी तुम अपने आप को इतना होशियार समझती हो, तुम सोचती हो कि म्यूजिक जो है वो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं करता बल्कि पढ़ने टाइम में हेल्प करता है, तो चलो टेस्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर एसपी सर जो है वो ट्रैफिक इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं तुम्हें जवाब भी देने हैं सारे सवालों के और इस बीच में इस ट्रैफिक को भी हटाना है। तो इस पर सभी जो है वो तैयार हो जाती है, चैलेंज शुरू होता है। एसपी सर जो है वो सभी से सवाल पूछते रहते हैं और साथ ही सभी जो है उसे भाई सारा का सारा ट्रैफिक हटाना है। वहीं दूसरी तरफ ईशान, निशिकांत और यशवंत खड़े हैं, जहां पर ये लोग बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट्स गए कहां, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वहां सभी जो है आप देखेंगे किस तरह से सबको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, सारा ट्रैफिक हटा देती है और साथ ही सारे सवालों के जवाब देती है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं एसपी सर जो है सभी से इम्प्रेस जाते हैं और जैसे ही सभी उन्हें बताती है सब कुछ तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो इसका ध्यान बहुत अच्छे से पढ़ाई में लग रहा है। और वो कहता है कि तुम मेरे टेस्ट में पास हो गई। और ये सारी बातें यशवंत, निशिकांत, ईशान सुन लेते हैं। अब ईशान को गलत फहमी होती है, जिसके बाद ईशान सभी से लड़ने आ जाता है, क्योंकि जिस तरह से एसपी सर ने सभी की तारीफ की ये कहीं ना कहीं ईशान को भी बर्दाश्त नहीं हुई। अब ईशान जो है वो कहता है अब तुम ये बोलोगी कि तुमने सर को नहीं बुलाया, तो सभी कहती है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ पर ईशान जो है बात को पलट देता है और कहता है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं सुनना, तुम जल्दी से मेरे तलाक के पेपर पर साइन करो और मुझसे अलग हो जाओ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। तो इस पर सभी ने भी कह दिया कि हाँ अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, मैं आपके साइन करके पेपर आपको भिजवा दूंगी। इसके बाद ईशान वहां से चला जाता है। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए सभी ईशान से अब दूर होने वाली है, कि ईशान को अब साइड करके सिर्फ सभी अपने सपनों पर ध्यान देगी और आईएएस ऑफिसर बनेगी। आपको क्या लगता है, सभी को क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताइए। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।